नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर, आज मैं कोझीकोड में हूँ। यहाँ पे व्याख्यान के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। तो दो विषय हैं जो कि पुरुषों में छाती का विकास हो जाता है, जिसको हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, तो उसके बारे में विस्तार से बात करनी है। दूसरों, आपके वैवाहिक जीवन में जो गर्माहट कम हो जाती है, पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं दोनों में से एक पार्टनर कंप्लेंट करने लगता है, तो इन जटिल विषयों पे बात करने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये तारतम्य जो हमने बना के रखा है, जो सिलसिला हमारा निर्बाध चलता आ रहा है पिछले 2 वर्षों से, आज भी जारी रखा जाए। ये बड़ा ही सुंदर शहर है कोझीकोड। यहाँ पे केवल आपको हर जगह नारियल के पेड़ दिखेंगे, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर इसका जो रस है शहर का, एक बहुत सार जो है, जो एक अभिप्राय निकलता है या मन में अच्छी भावनाएं आ रही हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। तो आज का सिलसिला मित्रों, हम बात करेंगे। कुछ दिनों पूर्व ही एक पेशेंट आई थी, 3-4 महीने गर्भावस्था के हो गए थे, और उनकी गर्दन भी काली थी और मसे भी थे। तो मैंने सोचा कि, मैंने पूछा, आपके डॉक्टर ने आपकी शुगर की जांच समय समय पर करी होगी, और जरूर आपको 24वें हफ्ते से 28वें हफ्ते के बीच में आपको जरूर 100 ग्राम ग्लूकोज खिला के जांच किया होगा। तो उन्होंने कहा कि, नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो 6 महीने हो गए, अभी तक तो उन्होंने कहा कि ये तो खाली पेट बढ़िया चल रहा है, चलने दी थी। तो ये बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई, समय के हिसाब से जब हम हर मंचों पे इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कैसे करना है, और कोई बहुत बड़ा डॉक्टर इस तरह की बात करे तो ये गलत हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये फिर से जागृति वाला मामला गर्भावस्था को लेकर आपके समक्ष लेकर आऊं। तो गर्भावस्था के दौरान आपको बहुत जरूरी है कि अपना आप शुगर अच्छा रखें। शुगर गर्भावस्था और गर्भावस्था के बगैर सामान्य परिस्थिति में दोनों के पैमाने अलग-अलग हैं। सामान्य परिस्थिति में महिला और पुरुष के शुगर में कोई अंतर नहीं होता। मैं आपको हमेशा बताता हूं, खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर, 3 महीने का एवरेज लगभग 7%। पर जब गर्भावस्था आ जाती है, जो गर्भधारण कर लेते हैं, तो शुरू के 3 महीने में हमें चिंता होती है कि मानसिक विकास अच्छा हो, न्यूरो डेवलपमेंट अच्छा हो, कहीं एनन के फैली कि सर वाला ही भाग कम हो गया, दिमाग वाला ही भाग कम हो गया, ये सब परिस्थिति ना निर्मित हो, इसलिए हम शुगर नॉर्मल करते हैं। और फिर गर्भावस्था के दूसरे भाग में हमारी मुख्य चिंता होती है कि बच्चे का साइज ना बढ़ जाए, बच्चे का वजन ना बढ़ जाए। बच्चे का वजन बढ़ेगा तो मोटापा आएगा, बचपन से ही जड़ों में मोटापा आ जाएगा। फिर जब बच्चा पैदा होगा तो उसको ज्यादा शुगर की आदत रहेगी, तो पैदा होते ही शुगर की कमी हो जाएगी। फिर इसके साथ बहुत सारी समस्याएं, सोडियम की कमी और बाकी परेशानियां भी आ सकती हैं। साइज में बच्चा बड़ा है तो डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है, शोल्डर डिस्टोशिया, जहां पे ये कंधा खसक जाता है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। पैदा होते ही शक्कर कम हो जाना अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है। माताओं को भी प्रॉब्लम होती है कि शक्कर बढ़ी रहती है तो पेट का पानी बढ़ जाता है, बच्चेदानी की थैली का पानी बढ़ने लगता है। तो जो पानी बढ़ने लगता है तो कहीं ना कहीं उस पे भी लोग और डॉक्टर चिंतित होने लगते हैं। तो ये दोनों ही परिस्थिति है, दोनों ही समय है। इसीलिए सबसे पहले, अगर गर्भावस्था आप अभी आई नहीं है, आप प्लान कर रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन में ये खुशियां आप लाना चाहते हैं, सबसे अच्छा है कि, मेरे हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आप अपना वजन देखें। आपके हाइट अगर 165 सेंटीमीटर है तो उसमें -100 करिए तो 65 आएगा। तो ये जो 65 आएगा, आपका वजन होना चाहिए, आप बच्चा करना चाहते हैं, आप 30 के आसपास हैं, पर 55 से 60 किलो वजन अपना रखें। ये जरूरी नहीं है, जिनकी गर्भावस्था हो गई उनकी बात नहीं कर रहा, पर जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है। तो 50 से 55 किलो अगर आप वजन रखते हैं, 60 किलो भी रख लेते हैं, तो इस परिस्थिति में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको, जो मधुमेह की तरफ लेकर जाती हैं गर्भावस्था के दौरान, वो परिस्थिति नहीं आएगी। अपना वजन अच्छा रखें, खान पान अच्छा रखें, दौड़ना भागना कसरत करना, मैं कहता हूं ना, आए दौड़े भागे। वो इसलिए नहीं कहता कि मैं स्वयं दौड़ता भागता हूं, वो इसलिए कहता हूं कि ये परिस्थिति बड़ा दुख होता है। कोई यंग महिला, कोई जवान महिला, अभी अभी शादी हुई है और गर्भावस्था के दौरान मधुमेह हो जाता है, और कुछ लोगों का, 50% लोगों का मधुमेह बराबर बना रहता है डिलीवरी के बाद। तो यंग एज में जिनको मधुमेह होता है, यूथ ऑनसेट डायबिटीज, मैं हमेशा कहता हूं कि उनको कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं भी दूसरे मरीजों के बनिस्बत ज्यादा होती हैं। तो यह बड़ी ही विकराल परिस्थिति है।
इसलिए अगर आप गर्भाधारण करना चाहते हैं तो वजन अपना नियंत्रित रखिए, नियमित व्यायाम करिए, दौड़िए, भागिए। ये मत सोचिए कि हम तो यंग हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होगी, पर दुर्भाग्य से आजकल आपकी उम्र में मैं ज्यादा मरीज देख रहा हूं। आपकी उम्र के ज्यादा मरीजों को टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज और गर्भावस्था के कारण होने वाली डायबिटीज भी बहुत हो रही है। फिर दूसरा, अपना खान पान नियंत्रित करिए, 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए। प्रायः क्या होता है कि दंपतियों में दोनों काम करते हैं और दोनों की ही जॉब कंडीशंस आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर वाले सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर्स में होती हैं, तो वहां काम का दबाव बहुत होता है। तो ये जो काम का दबाव है, गर्भावस्था करनी है, काम का दबाव है, कहीं ना कहीं ये अपनी कीमत ले लेता है। तो आपको मोटापा आने लगता है, गर्दनें काली होने लगती है, मसे होने लगते हैं। तो ध्यान रखिए, जिनको भी ऐसी परिस्थिति है वो 6 महीना रुक कर प्रेगनेंसी करें, पर अपनी ये परिस्थितियां पूरी तरह से दूर करें। और जिनको गर्भावस्था हो गई है, वो जिन्हें लगता है कि हम के माँ बाप को डायबिटीज है, घर में डायबिटीज है, भाई बहनों को डायबिटीज है, तो उन्हें ये करना चाहिए कि सबसे पहले शुगर की जांच करनी चाहिए। जैसे ही 24 हफ्ते के आसपास प्रेगनेंसी आ जाएगी, 24 से 28वें हफ्ते के बीच में, वो आपको 100 ग्राम ग्लूकोज खिलाएंगे डॉक्टर आपके। आजकल 75 ग्राम वाला है, वो सैशे आता है, वो आप खाते हैं और 2 घंटे के बाद शुगर देखते हैं। अगर ये शुगर आपकी एक दायरे से ऊपर आती है तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि भाई आपको जेस्टेशनल डायबिटीज, माने गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज हो गई है। तो उसमें घबराइए मत। अगर ये हो गया है तो आप अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलें, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से मिलें, ये ट्रेन डॉक्टर होते हैं। ये क्या करेंगे कि आपका एक दायरा तय करेंगे, कोई भी खाली पेट, ब्रेकफास्ट के पहले हो, लंच के पहले हो, डिनर के पहले हो, 90 से 95 के आसपास, मतलब 100 के अंदर रहनी चाहिए। कोई भी भरे पेट शक्कर, भोजन नाश्ते के 2 घंटे के बाद, लंच के 2 घंटे के बाद, या रात के खाने के 2 घंटे के बाद, ये जो होनी चाहिए ये 120 के अंदर होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे साहब ये दायरे तो थोड़े अलग हैं। हाँ, सामान्य गर्भावस्था जब नहीं है तब से ये दायरे अलग होते हैं, पहले वाले दायरे तो बताए हैं मैंने अभी। तो ये दो दायरे प्राप्त करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप ये दायरे प्राप्त नहीं करते हैं तो बच्चे का वजन बढ़ने लगता है, बच्चे का साइज बढ़ने लगता है, बच्चे को डिलीवरी में प्रॉब्लम आने लगती है, बच्चादानी में पानी बढ़ सकता है, मां को ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो सकती हैं। पर जो मुख्य तौर पर जो चीज है जिसके लिए हम लोग चिंतित होते हैं, वो बच्चे का साइज नहीं बढ़ना चाहिए, बच्चा बहुत मोटा पैदा नहीं होना चाहिए, 4 किलो से ऊपर का बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। तो ये परिस्थिति बहुत अच्छे से नियंत्रित की जा सकती है। अब बात आती है कि जिनको ये हो गया है वहां आप क्या करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जिनको हो गया है, बहुत सारे शोध हैं, किसी को भी सबसे अच्छी दवा जो प्रेगनेंसी में होती है वो आज भी इंसुलिन है, पर इंसुलिन कोई भी लेना नहीं चाहता। साहब ऐसा कुछ करें कि इंसुलिन ना लगाना पड़े। तो जो मेटफॉर्मिन की दवा है वो हम आजकल कुछ वर्षों से 20 हफ्ते के बाद गर्भावस्था में हम लोग देते हैं। पहले भी देना देखा गया है कि उससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान, ऐसा कोई परेशानी नहीं होती। और अब बहुत सारे शोध, भारतीय शोध भी आ गए हैं जो गर्भावस्था के दौरान मेटफॉर्मिन के बारे में अच्छी बात कर रहे हैं। तो जो मेटफॉर्मिन की दवाएं हम लोग प्रायः चालू करते हैं, पैमाने अगर प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे लिए तो और कुछ चाहिए ही नहीं। अगर हम क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं और आप विराट कोहली हो और आप रन रेट से मैच खेल रहे हो तो टीम के जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो जीतने का लक्ष्य बड़ा क्लियर है, कोई भी खाली पेट 100 के अंदर, कोई भी भरा पेट 120 के अंदर। तो ये 70 से 80% अगर वैल्यूज नॉर्मल आती हैं तो डॉक्टर को चिंता नहीं होती और निष्कंटक आपकी प्रेगनेंसी निकल जाती है, बिना किसी तकलीफ के निकल जाती है। और अगर इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती भी है तो इंसुलिन के लिए कभी मना मत करिए, क्योंकि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये कर रहे हैं। आपके जीवन में ये 9 महीने बहुत बार आ जाएंगे, पर आपके बच्चे के लिए इस गर्भावस्था का ये जो जीवन का पल है ये दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए एक एक दिन महत्वपूर्ण है। तो उसमें हमें निर्णय भी बहुत अच्छे से लेना होगा, बहुत अच्छे से अपने को इलाज कराना होगा, सही दिशा में काम करना होगा, अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। महीने के महीने फॉलोअप करिए, 9 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि 100 में से 50 लोगों को तो डायबिटीज जिस दिन डिलीवरी हुई उसी दिन से खत्म हो जाएगी, इंसुलिन भी बंद हो जाएगा, गोलियां भी बंद हो जाएंगी। 50% लोगों को हम 6 हफ्ते के बाद डिलीवरी के फिर से इस तरह की जांच करके देखेंगे, वहां पे अगर पॉजिटिव आएगा तो उन्हें दवा लेनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा ये मौका है, क्योंकि यहां पे आपको जागृत होना है कि गर्भावस्था में डायबिटीज हो गई
तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली का डेटा कहता है कि ऐसे 75 से 80% लोगों को 3 वर्षों के अंदर डायबिटीज हो जाती है। तो जो 3 वर्षों के अंदर डायबिटीज होगी फिर वो वापस नहीं जाएगी। इसीलिए जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए मेरा अनुरोध, सविनय निवेदन है कि आप दौड़िए, भागिए, कसरत करिए, वजन कितना रखना है अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। जिनकी डिलीवरी हो गई और प्रेगनेंसी के दौरान जिनको डायबिटीज थी उनको भी जब उनका लैक्टेशन फेज जो है वो निकल जाएगा, जब बच्चे को आप फीड करना बंद कर देंगे, तब खाने पीने का अंतर करें, अपने डॉक्टर से मिलें, दौड़िए, भागिए, कसरत करिए, अपने आप को शेप में लाइए, आप सुंदर हो जाएंगे। तो लोग कहेंगे हाँ वाह, प्रेगनेंसी के बाद भी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये संभव है, सबकी इच्छा होती है। तो उस इच्छा को, उस आदर्श परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि आपको 3 साल के अंदर आप में से भी 80% लोगों को मधुमेह हो जाए। हमारे तो पेशेंट्स बढ़ते हैं, पर पेशेंट बढ़ना हमारा लक्ष्य नहीं होता, पेशेंट बढ़ाना लक्ष्य नहीं होता। पेशेंट को जिस स्थिति में देख रहे हैं बेस्ट स्थिति में देखने का हमारा लक्ष्य होता है। और बहुत से लोग जो पेशेंट ना बने और अगर हम उनको रोक पाए पेशेंट बनने से, तो इससे ज्यादा बड़ी उपलब्धि क्या होगी। तो आपको आशा है मेरी बात समझ में आई होगी, इस पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। आगामी भविष्य को के सूत्रपात के लिए नए बीज जो आप डालेंगे तो वो नवांकुरण के लिए और पुष्पित पल्लवित होकर एक बड़ा वृक्ष तैयार हो, मजबूत वृक्ष तैयार हो, उसके लिए आपको आधारशिला मजबूत रखनी पड़ेगी। और आधारशिला कैसे मजबूत रखेंगे? संयमित भोजन, नियमित व्यायाम और 6 से 8 घंटे की निर्बाध नींद, टेंशन तनाव से मुक्ति। और जब भी कोई परेशानी आए तो आप एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाएं। धन्यवाद।